गाड़ी जो है वो राइड करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने हाईवे पे उसको राइड किया, अभी सिटी के अंदर राइड करते हैं थोड़ा सा ट्रैफिक में कि देखते हैं कैसा इसका हैंडलिंग होता है, क्योंकि एक्चुअल जो हैंडलिंग है वो हमें सिटी में ही पता चलता है कि गाड़ी में थकावट है या नहीं है, कैसी है राइड करने के अंदर, तो वो तो एक्चुअली हमें वहीं पर पता चलेगा कि कैसा दे रखा है। साइड से निकल जाते हैं आराम से, बाइक्स का यही फ़ायदा होता है कि वो साइड से निकल जाते हैं। जितनी बड़ी गाड़ी उतनी देर मार्केट में आप लोगों को जो रुकना पड़ेगा, और जितनी छोटी बाइक्स अगर कोई भी हो तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, कितना भी आराम से आप साइड वाइड में निकल सकते हो। रुकने के लिए मेला नहीं है, बाइक्स को रुकना नहीं होता है। ऑटो हो, ई रिक्शा हो, कार हो, सबको रुकना पड़ जाता है, बाइक्स वगैरह नहीं रुकती कभी भी। तो निकालते हैं इसको ट्रैफिक से, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है ट्रैफिक के अंदर इसका। मैंने भी अभी तक इसको ट्रैफिक में राइड नहीं किया, मैंने डायरेक्टली जब से गाड़ी अभी ली है शोरूम पे से, तब से मैंने जो है इसको अभी हाईवे पे ही राइड किया है, सिटी के अंदर तो राइड किया ही नहीं। अभी राइड करते हैं और अभी आप लोग को एक्चुअल रिव्यू शेयर करते हैं कि बाइक जो है वो ट्रैफिक के अंदर राइड करने में कैसी है, क्योंकि मैं चलाऊंगा बाइक फिर तो आप लोग को बता पाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम होगी तो मैं आप लोग को क्लियर बताऊंगा कि मुझे प्रॉब्लम। इसको राइड करते हैं, देखते हैं कि कैसा है ट्रैफिक में इसको परफॉर्म करना मार्केट वगैरह में, क्योंकि मार्केट में होता क्या ना, मार्केट हो या थोड़ा सा आप लोग को जो सिटी के अंदर राइड करने में ये चीज़ होती है कि बार बार आप लोग को जो है गियर शिफ्टिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो उसके लिए आप लोग को स्लीपर क्लच चाहिए। तो स्लीपर क्लच इस बाइक ने दे दिया, स्लीपर क्लच हो गई, सिक्स गियर हो गया, तो और ब्रेक, ये तीन चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है, फ्रंट रेयर का ब्रेक, क्लच और गियर, ये चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये तीनों चीज़ अगर किसी बाइक का बेस्ट है तो उसको जो है आप सिटी में भी राइड कर सकते हो, हाईवे भी राइड कर सकती हो। इसका व्हील बेस भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। एंड देखो अभी मैं आ चुका हूँ ट्रैफिक में, थोड़ा सा मैं इसको भगा भगा के भी देखूंगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा ब्रेक का यूज़ होता है, फर्स्ट गियर सेकंड गियर थर्ड गियर ज़्यादा होता है उसके अंदर, और उसके अंदर ब्रेकिंग भी ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे मुझे रुकना है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ब्रेक लगा रहा हूँ, तो ये चीज़ होती है। अब थोड़ा सा इसको ओवरटेक करते हैं तो ये पुल होना चाहिए, तो ज़्यादा पुल होने के बाद जो है वो ओवरटेक्स वगैरह करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ट्रैफिक में भी राइड करने में कोई इशू होता नहीं है। तो इसको जो है अभी हम चलते हैं और ज़्यादा ट्रैफिक के अंदर लेकर चलते हैं मार्केट में, वहाँ एक्चुअल इसका परफॉर्म पता चलेगा कि कैसा है राइड करने के अंदर, गाड़ी कैसा चलती है, मज़ा आती है चलाने में। तो इसको जो है थोड़ा सा भगा के देखते हैं। और भाई साहब गाड़ी मस्त है, अब इसको यहाँ पर रोकते हैं आराम से। जो है उसके शॉकर्स यार कमाल है, इतना बड़ा जो वो था बम्प था उसको जो है पूरा अब्जॉर्ब कर लिया, कोई भी इशू नहीं हुआ। एंड ब्रेकिंग देखा, ब्रेकिंग जो है वो बड़ी चीज़ होती है कि किसी भी गाड़ी को हैंडलिंग में ब्रेकिंग होती है। बाइक के अंदर कितना भी पावर दे दो, कुछ भी दे दो, ब्रेक अगर अच्छे नहीं तो गाड़ी बेकार, क्योंकि उस ब्रेक जो, क्योंकि एक ब्रेक जो होती है ना बाइक के पावर्स को सब चीज़ों को हैंडल करती है। ब्रेक चाहिए बहुत बेस्ट ब्रेक, जितने बेस्ट कंपनी बना पाए तो वो सबसे बड़ा चीज़ होता है, क्योंकि गाड़ी के पावर्स वगैरह देना कोई दिक्कत, ब्रेक अगर नहीं दिया तो फिर गाड़ी बेकार है। इस पावर को हैंडल करने के लिए ब्रेक भी चाहिए कि गाड़ी सच में कैसे परफॉर्म करती है। एंड अंदर ले चलते हैं और इसको जो है वो, और इसको जो है मार्केट के अंदर ले सकते हैं, वहाँ ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ ज़्यादा बाइक्स के बीच में पता चलेगा कि गाड़ी जो है वो राइड करने के अंदर कैसी है, तो उसमें पता चलेगा कि एक्चुअली गाड़ी जो है परफॉर्म करने में कैसी है। तो अभी जो है इसको जो है थोड़ा सा थिल देने के बाद मैं ब्रेक लेता हूँ, क्लच लेता हूँ, कोई भी इशू नहीं है। सारी चीज़ें जो वो बहुत ही लाइट दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, क्लच तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, इतना ज़्यादा जो है क्लच को देने के बाद भी, यूज़ करने के बाद भी कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। एंड इसको जो है थोड़ा सा भगा के देखते हैं कि ट्रैफिक में भागती है नहीं भागती। कंट्रोल्स बस आप लोग के बाद देखना कि गाड़ी को कंट्रोल करने में क्या मज़ा आता है। अभी मैंने आराम से 60 पे गाड़ी को दिया, नॉर्मली मैंने अभी पीछे का ब्रेक यूज़ किया, फ्रंट का मैंने यूज़ किया, गाड़ी इतना आराम से रुक रही है। अब फिर मैंने क्लच लिया, गियर दिया, कोई इशू नहीं है आराम से। यही चीज़ होती है कि किसी बाइक को जो ट्रैफिक में यूज़ करने के लिए कैसा मदद चाहिए, कैसा चीज़ें होनी चाहिए, तो क्लच, ब्रेक, ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यही चीज़ हमें इंपॉर्टेंट चाहिए बाइक के अंदर बेस्ट, जो कि इसको कि हम ट्रैफिक में भी राइड कर सकते हैं, हाइपर राइड भी कर सकते हैं, अगर कभी भगाना है ट्रैफिक के अंदर तब भी यहाँ पर भी कई चीज़ें कर सकते हैं। ये चीज़ें बेस्ट होनी चाहिए, तभी जाके जो हम बाइक को राइड सही तरीके से कर पाएंगे। हाईवेज़ वगैरह पर उतना बार बार ब्रेक यूज़ नहीं होता है, सिटी के अंदर बहुत आता है। अभी मैंने ब्रेक अप्लाई किया, एक बार में गाड़ी रुक गई एंड थोड़ा सा जो है उसको साइड। तो यही चीज़ें हैं कि ब्रेक बहुत बड़ी चीज़ है, तो ब्रेक बहुत अच्छा होना चाहिए बाइक के अंदर एंड थोड़ा सा स्पीड भी अगर अच्छा होना चाहिए। अब थोड़ा सा इसको राइट इंडिकेटर देकर राइड कर लेते हैं। एंड थैंक यू सो मच यूनिक मोटर्स फॉर हेल्पिंग मी दिस बाइक आउट फॉर रिव्यू। अब यहाँ पर बम्प है, इसको जो है थोड़ा सा आराम प्यार से रोकेंगे। ब्रेक इतना प्यारा दिया ना, इतना प्यार से ब्रेक लगता है और क्लच इतना स्मूथ है। एक बार में ब्रेक क्लच इजीली आराम से हम प्रेस करते हैं और गियर को जो है वो डाउन एंड अप करते हैं इजीली, कोई भी ऐसा नहीं है, स्मूथ। मेरे मुझसे आपने काफ़ी बार सुना होगा स्मूथनेस बहुत है। एंड सस्पेंशन फ्रंट में काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, यूएसडी फॉक दिए गए हैं, रियर में आप लोग को जो ट्विन शॉक देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छे तरह से जो है वो बम्प को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो यही है मेरा आज का रिव्यू। आप इजीली इसको जो है आप परचेस कर सकते हैं फॉर सिटी राइडिंग, फॉर हाईवे राइडिंग एंड लॉन्ग ट्रिप्स के लिए भी कर सकते हो, आराम से इसको आप प्रेफर कर सकते हो। तो सो गाइस करते हैं इस वीडियो को यहीं पर, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट प्यार से वीडियो में।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी गाइज लाइक कर देना।